पंजाब में लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने के लिए प्रशासन ने समय निर्धारित किए हैं। अमृतसर में प्रशासन की तरफ से शराब दुकान खोलने के लिए सुबह 10:30 से 3 बजे तक का समय तय किया गया, लेकिन यहां निर्धारित समय के बाद भी ठेके खुले रहे, जो नियमों की अवहेलना है। हालांकि इस दौरान शराब के ठेके पर कब ग्राहक दिखाई दिए, तो वहीं ठेका मालिकों ने सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करने और नई पॉलिसी लाने की मांग की है। देखो जी, जी सरकार ने पॉलिसी इस बार बनाई है रिन्यू करने की, उस लैके असी पसंद करते हैं, ठीक है जी। अपना 32 ग्रुप ने अमृतसर के टोटल, जिन्हों 18 ग्रुप रिन्यू कराए गए हैं, 14 ग्रुप हले पेंडिंग पे हुए हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जो पुराने सर्कल थे, जो अपना 32 चलते आ रहे थे, 14 रिन्यू जो नहीं हुए, वो ठेकेदार पुराने घाटे में ही, तो इस करके ग्रुप छड रहे हैं। जिन्हों कुछ लग रहा है कि आप अपना प्रॉफिट लै सकते हैं, 18 ग्रुप उन्होंने रिन्यू 20% वाधे न तकरीबन 1 करोड़ रकम के वाधे न करवाए, तो वो रकम जी वाधे वाली रकम जी अपना जमा करवा दी गई है। वो नहीं लग रहा कि असं अपनी इस साल अपना रकम अपनी पूरी कर सकेंगे। ऑफिस बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेबर सारी बाहर चले गई, लोग डरते मारे घरों बाहर नहीं निकल रहे, तो उत्थे ठेके से सेल कितों आनी है। इस करके ठेकेदार डर गए, कुछ ठेकेदार जो 18 ग्रुप विके भी ही उन्होंने भी वाइंड अप कर गए हैं कि अही जो साडे पैसे चले गए वो साडे मिट्टी हो गए, कोई गल नहीं, अही अगो होर ना मर्जी है। मंग यही है कि सरकार एक वधिया जी पॉलिसी बना के साडा जो भी रेवेन्यू बनता वा सानू उहदे विच रियायत की जाए, रिलीफ दी जाए, कि जिहड़ा कि अही सह सकीए, जिहड़ा भार अही पा सकीए, सरकार नू रेवेन्यू दे सकीए, तो अही अपना घर बार भी बचा सकीए।